हर महादेव। नमस्कार। कलयुग प्रथम चरण में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, कहीं रहें खुशहाल रहें, कोई भी कार्य करें सोचें समझें फिर करें, भरपूर आपको सफलता प्राप्त होगी। साथियों, गरीबी एक ऐसा शब्द है कि इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। यह सबको नजर आता है कि गरीबी क्या है, और जब गरीबी पीछा कर लेता है तो इसके साथ तरह तरह का तंगहाली, परेशानी, मुसीबत भी खड़ी होती है। ऐसा यह दुर्भाग्य का छाया होता है। तो मित्रों, यह जल्दी दूर नहीं होता है। ऐसा छाया है कि आदमी नरक के समान होने लगता है। तो मित्रों, आज हम एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं, अगर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता हो, तंगहाली पीछा नहीं छोड़ता हो, अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो तत्काल दूर भाग जाएगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। तो मित्रों, इसके लिए आपको कमल का एक पाता लाना होगा। मित्रों, वही कमल जो तालाबों में खिलता है, मां लक्ष्मी का सबसे प्रिय कमल माना जाता है। कमल गट्टे के माला भी आते हैं, तो स्क्रीन पर आप देख लीजिए, उसका एक पाता लाइए और सोमवार के दिन इस पत्ते को मोड़ के फोल्ड करके छोटा सा बना लें, फोल्ड कर करके छोटा बना लें, और फिर लाल रंग के धागे में उसको बांधकर अपने नाभि पर इसको धागे के सहारे बांध लें, नाभि के ऊपर, और फिर सफेद आंख मदार, जिसको कहते हैं सफेद फूल वाला आंख है कौन मदार, उसका जड़ भी सोमवार के दिन खोद कर लाकर लाल रंग के धागे में उसको बांधकर अपने दाहिने यानी राइट बाजू में बांध लें। यह प्रयोग दोनों एक साथ कर दें मित्रों, आपका दुर्भाग्य, गरीबी, तंगहाली तत्काल दूर होगी। यह ऐसा यह राम बाण प्रयोग है। मित्रों, कमल के पत्ते को भी सोमवार को बांधना है और सफेद आंख का जड़ भी सोमवार को बांधना है, दोनों को एक साथ करना है। फिर देखें मित्रों इसका चमत्कार। आप बड़े बड़े उपाय करके थक गए हो, आप निराश हो चुके हो, फिर भी तंगहाली नहीं दूर होती हो, तो इस उपाय को कर लें। श्रद्धा और विश्वास से कुछ ही दिन में आप धनवान बनेंगे और आगे बढ़ने से कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। तो मित्रों, जब यह कमल का पत्ता सूख जाए पूरा, तो फिर सोमवार को ला करके बदल लें, और आंख का जो जड़ है थोड़ा सा, वह तो बहुत दिन तक जाएगा, लेकिन कमल का पत्ते को आपको बदलना पड़ेगा, दो तीन बार बदल दीजिए बस, फिर आपकी जीवन की ऐसी सुधार होगी आपने सोचे भी नहीं होंगे कि हमारे जीवन में
ये दो छोटे चीजों से ऐसा चमत्कार होगा। तो मित्रों, कुछ छोटे छोटे उपाय भी लक्की बन जाते हैं। तो मित्रों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।